बोल के आया। मेरा नाम समीर है, ये मोहम्मद खाजा पाशा जो कल स्विमिंग पूल में जब बच्चा तैरने गया था वो मेरा चाचा का बेटा है, मेरा भाई है। वो बच्चा कल यहाँ पे 5 बच्चों के साथ में तैरने आया था स्विमिंग पूल को, 5 बच्चों के साथ तैरने आया था। स्विमिंग पूल में तैरने के बाद में वो लोगों का टाइम हो गया, कपड़े पहन के ड्रेसिंग चेंज करने के बाद में घर को आने के लिए रेडी हो गया था बच्चा। रेडी होने के बाद में उस 4-5 दोस्तों में कोई उसको फिर से कुछ बोले स्विमिंग पूल में उतरने के लिए, कोई अप्रोच करे उसको कुछ गिरा या कुछ ढूंढने के लिए स्विमिंग पूल मेंटेनेंस के तरफ से या उसके दोस्तों की वजह से भेजा अंदर। जब बच्चा अपने कपड़े उतार के अंदर डाइव मारा, फर्स्ट टाइम गया बाहर आया, सेकेंड टाइम गया बाहर आया, थर्ड टाइम उसको कहीं और आगे बोल के भेजा डीप में, जो बच्चे को मालूम नहीं है। और यहाँ के स्विमिंग पूल मैनेजमेंट इतना वर्स्ट है, यहाँ पे उसके मार्किंग तक नहीं है, 5 फीट 6 फीट 7 फीट, और ना कोई एक कोचर मौजूद था यहाँ पे, एक कोचर भी नहीं है। इतनी लापरवाही की वजह से हमारा बच्चा, उसको जो भी गलत जो मिसगाइड करके उसको जो भेजा है उसकी जान चले गई। पूरी ये स्विमिंग पूल मैनेजमेंट की लापरवाही की तरफ से हमारे खाजा पाशा की जान गई। 15 साल की उम्र थी, सिर्फ एक भाई था घर का, एक भाई, एक बहन का, एक भाई, माँ बाप का एक बेटा, ये उनके वालिदा है यहाँ पे आए हुए। कल ये हादसा हुआ, हम ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे। सबसे अहम ये हमको फैक्ट ये समझ में नहीं आ रहा, जब बच्चे की जान गई यहाँ पे, जान जाने के बाद वालदा को, वालिद साहब को, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म नहीं करे। वो बच्चे जो थे इन्फॉर्म करने वाले, वो लोगों के मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों के फोना खींच लिए, बच्चे बोल रहे अब हमारे फोना खींच लिए थे भैया, बोलने नहीं दिए, और पुलिस को बुलाए, पुलिस वाले आए सीधा लेके उस्मानिया को चले गए। हमारे को 9 बजे में इत्तला दिए गए कि ऐसा इंतकाल हो गया। अब जैसे इत्तला देते वैसे ही पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दे दिए 10:30 बजे। कंप्लेंट देने के बाद में आज सुबह में पोस्टमार्टम हुआ, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। पोस्टमार्टम के साथ में घर पे लाए लाश, हम ये नहीं रख सकते घर पे, ये जो इसका इंसाफ करने वाला है स्विमिंग पूल वाला, कल से पुलिस के सामने और हमारे सामने आए क्यों नहीं, आना इंसाफ करना या आना यहाँ के इंसाफ करना, उनके वालिदा को, उनके वालिद साहब को ये जवाब देना, तेरे जो भी मैनेजमेंट की लापरवाही से जो बच्चे की जान गई उसका यहाँ जवाब देना, हमारे साथ इंसाफ होना, उसके बाद ही हम बच्चे की लाश को यहाँ से हटाएंगे। हमारे को हुकूमत है तेलंगाना से और पुलिस डिपार्टमेंट से बार बार हर दफ़ा एक ही अपील कर रहा हूँ मैं, ये बच्चे के साथ इंसाफ होना। हमको पूरा भरोसा है KCR साहब की हुकूमत पे और पुलिस डिपार्टमेंट पे, बस हम ये चाह रहे हमारे साथ जो हो रहा साहब, एक छोटी सी नाइतफाकी की वजह से ऐसे बच्चे के जैसे और दूसरे बच्चों के साथ नहीं होना, जो हमारे बच्चे के साथ हुआ ऐसे और बच्चों के साथ नहीं होना, इसके मैनेजमेंट के ऊपर सख्त से सख्त होना, इनका जो भी है इंसाफ होना और कुछ भी नहीं। बच्ची भी है, माले वाला बच्चा था, ये बच्ची है, ये बच्ची हमारे शोहर काम पे भी सही नहीं जाते, मेरा कैसा गुजारा चलेगा, मेरा बच्चा कमा के लाया तो मेरा घर चलता था, किराए का घर है मेरा, एक ही बच्चा है, ये स्विमिंग पूल की लापरवाही से मेरे बच्चे की जान गई, मेरे को इंसाफ होना, ये बच्ची का मेरी है, ये एक ही बच्ची है, मेरे को इंसाफ होगा तो मेरे को इंसाफ होगा तो मैं बॉडी को हटाऊंगी, नहीं तो यही रख चलना हमारा बच्चे से, ये घर चलना हमारे बच्चे से था मेरे, बस वही बात।